जीसस जमीन और आसमान को बनाने वाले से किसी से भी नहीं डरते। AIMIM के मुखिया यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो अल्लाह के सिवाय किसी से नहीं डरते हैं, फिर चाहे वो देश के प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों। दरअसल हैदराबाद से सांसद ने इस दौरान लोगों को भी सलाह दी है कि वो किसी से न डरे, ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरे, ना ही अमित शाह से डरे, वे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से डरे। ये बात बुधवार को माइक्रो ब्लॉगिंग मंच यानी कि एक्स के जरिए कही गई है। उन्होंने 36 सेकंड का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है और लिखा, हम सिर्फ जमीनों आसमान को बनाने वाले से अल्लाह के संदर्भ में उससे डरते हैं, बाकी किसी से भी नहीं डरते। इस दौरान जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है उसमें वो जनसभा के दौरान शायराना अंदाज में कहते नजर आए, हम सिर्फ जमीनों आसमान को बनाने वाले से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते। जो मैं गुनाहगार हूँ, खतागार हूँ, सियाकार हूँ, मैं क्या हूँ मेरे रब को मालूम, मगर मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। और तुमको भी बोलने आया हूँ कि ना मोदी से डरना, ना शाह से डरना और ना हुकूमत से डरना, किसी से नहीं डरना, सिर्फ अल्लाह से डरना। हम सिर्फ जमीन और आसमान को बनाने वाले से डरते हैं, किसी से भी नहीं डरते। जो मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ, मैं क्या हूँ मेरे रब को मालूम, मगर मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। और तुमको भी बोलने आया हूँ, ना मोदी से डरना, ना शाह से डरना, ना हुकूमत से डरना, किससे नहीं डरना, सिर्फ अल्लाह से डरना। अब असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब देश में राम के नाम पर कथित तौर पर सियासत गरमाई हुई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले सियासी सूरमाओं से लेकर संतों के बीच जुबानी संग्राम देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले भी इस तरह के बयान सामने आए थे। ऐसे में क्यों मोदी सरकार कहती है कि हम इस पर स्टैंड करते हैं, ये बयान था इन्हीं की पार्टी के एक नेता का। विरोध का क्या है, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया, ये मुद्दा जिंदगी भर रहेगा। अगर मस्जिद को आप शहीद नहीं करते तो कोर्ट का फैसला क्या आता। 6 दिसंबर तो एक फैक्ट है, क्या हम चाहेंगे कि दोबारा 6 दिसंबर हो। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये बातें इस समय पर क्यों, आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए, या बाबरी मस्जिद का दर्द है इन्हें, या राम मंदिर बनने से इनको कुछ परेशानी है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर ओवैसी साहब को राम मंदिर बनने से इतनी परेशानी क्यों हो रही है।